सुप्रभात, नमस्कार। इस वर्ष हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस वर्ष भी 14 से 28 सितंबर के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कोरोना के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों में इस अवधि में संस्थान में पूर्ण क्षमता से कर्मचारी एवं अधिकारीगण उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हमने इस साल ये निर्णय लिया है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान में हिंदी पखवाड़ा के दौरान ऑनलाइन गतिविधियां आयोजित की जाए। इसी क्रम में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने उपस्थित होकर संस्थान परिवार के सभी सदस्यों से ये आग्रह करती हूँ कि वो अपने शासकीय कार्य में राजभाषा हिंदी का उपयोग अधिक से अधिकतम करें। प्रत्येक तिमाही में संस्थान की ओर से जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसमें संस्थान की ओर से हिंदी में किए गए पत्र व्यवहार एवं नोटिस व टिप्पणियां सहित अन्य जानकारियां भेजी जाती है। इसलिए सभी अधिकारी एवं संकाय सदस्य को इस कार्य में मैं व्यक्तिगत रुचि लेकर प्रयास करने के लिए निवेदन करती हूँ। हमने संस्थान में लगभग सभी साइनेज एवं नाम पट्टियों में द्विभाषी का उपयोग किया है। वित्त एवं प्रशासन अनुभाग में भी अधिकतम प्रपत्र द्विभाषी में ही किए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों की द्विभाषी मोहरे भी बनाए जा चुके हैं। सेवा पुस्तिकाओं में भी द्विभाषी मोहरे का उपयोग अभी किए जा रहे हैं। फाइलों के शीर्षक भी द्विभाषी रखने का प्रयास हमने शुरू किया है, एवं क्योंकि विशुद्ध हिंदी प्रदेश में स्थित कार्यालय में का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए हिंदी का उपयोग करना एक अत्यावश्यक कार्य है एवं हम सरकारी संस्थान होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बात से हम सभी की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हिंदी को ना केवल प्रोत्साहित करें हम, बल्कि अपनी व्याख्यानों, कार्यशैलियों और संगोष्ठियों में भी हिंदी का बढ़ावा देने का प्रयास करें। हिंदी में या द्विभाषी प्रकरणों पर भी ध्यान दिया जाना अत्यावश्यक है। हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर इन सभी आवश्यक बिंदुओं में भी मैं आप सबकी ध्यान खींचना चाहती हूँ। आशा है आप सबका पूरा सहयोग प्राप्त होगा। एक बार फिर से संस्थान परिवार की सभी सदस्यों को हिंदी पखवाड़े के बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।